लोग जंतर मंतर पर आया है धरना देने के लिए, इसलिए आप लोग को माध्यम से हमारा एक अनुरोध है, नरेंद्र मोदी साहब, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी का अध्यक्ष अमित शाह जी, उन लोग को बोल रहा हूँ, हम लोग को डॉक्यूमेंट्स देखिए, आप लोग जितना 71 का जो डेट दिया है 24 मार्च का, उसका पहले है कि नहीं, उसका बाद में आप लोग बोलिएगा घुसपैठी। उधर आप लोग 44 लाख नाम जब आया था, अमित शाह जी बड़ा बड़ा बात बोल के बोल रहा था, हम लोग 44 लाख विदेशी पकड़ लिया है, उनको हम लोग विदेश भेज देंगे, ऐसा करके वो बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहा था। हम लोग को डॉक्यूमेंट देखा है वो, उनका पिताजी शहीद हुआ ना, हमारा पिताजी शहीद हुआ था भारत आंदोलन का टाइम में, भारत स्वाधीनता आंदोलन का टाइम में। तो हम लोग को घुसपैठी बोलता है, विदेशी बोलता है, हम लोग को शर्म आता है, हम लोग को बहुत दुख होता है, इसलिए हम लोग को ये डॉक्यूमेंट नहीं देखता है। डॉक्यूमेंट देखने का बात बोलिए तब तो हम लोग मान लेगा, जहाँ हम लोग विदेशी है, हम लोग तो विदेशी नहीं है, हम लोग का 71 का बहुत पहले का डॉक्यूमेंट है, हम 65 में आसाम में पढ़ाई किया है, उसका स्कूल सर्टिफिकेट है, हमारा एक तो वो नोटिस दिया था आप विदेशी है, वो विदेशी बोल के हमको FT कोर्ट में भेज दिया था केस, हमारा और हमारा परिवार का दोनों का केस भेज दिया था, उसी केस में देखिए नॉट फॉर फॉरेनर, इसमें है डॉक्यूमेंट्स, हम लेके आया है नॉट फॉर फॉरेनर, ये जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, तो भी हमको NRC में नाम नहीं आया, षड़यंत्र है कि नहीं, ये षड़यंत्र है कि नहीं, ये NRC है ना, कि कोई किसी आदमी का मृत्यु का दलील है, हम लोग को मारने का दलील है ये NRC, ये लोग षड़यंत्र कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ अभी सरकार हम लोग को पास आइए, आकर के अभी हम लोग को डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, देखिए हमारा पास कुछ है कि नहीं, भारत होने का भारतीय होने का सिटीजनशिप पाने का डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, आप आइए सरकार के आदमी आइए, आकर के यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले जाइए हम लोग को हाथ से, हम लोग सब आदमी डॉक्यूमेंट्स लेके आया है, हमारा उतना ज्यादातर भाषण नहीं आता, इसलिए हम भाषण दे रहे हैं, अपना दुख का बात बोल रहा है। देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट भी अंधा है, कैसे अंधा है वो सुप्रीम कोर्ट, हम लोग को NRC का सिर्फ प्रतीक हाजरा, उनको 15 डॉक्यूमेंट्स दिया था, 15 डॉक्यूमेंट्स होने से NRC में नाम आ जाएगा, ओ प्रतीक हजारा साहब वो क्या किया, ओ 15 नहीं माना है, हम लोग को जितने डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग को सिटीजनशिप है 51 का, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, रिफ्यूजी कार्ड है, ये सब बहुत बहुत पुराना कागज है, बोला ना हमारे स्कूल सर्टिफिकेट भी है, तो भी ये प्रतीक हजारा साहब वो 15 डॉक्यूमेंट्स नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन नहीं माना है, ये प्रतीक हजारा फ्रॉड है, उनका स्टाफ फ्रॉड है, उन लोग सब फ्रॉड किया है, जालियाती किया है, उन लोग को बहुत बहुत रुपया मिल गया है किसी से, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट का जो 15 डॉक्यूमेंट्स दिया था वो नहीं माना है प्रतीक हजारा, ये प्रतीक हजारा को हम लोग को अभी नहीं चाहिए, इनको हटाइए सरकार, इनको हटाना चाहिए, ये बहुत गलत काम किया है, ये सुप्रीम कोर्ट को अवमानना किया है, इनको हटाना चाहिए, प्रतीक हजारा आदमी ठीक नहीं है, ये दलाल है,
हम लोग का एससी का ओबीसी का माइनोरिटी का मृत्यु का दो दलील बनाने वाला दलाला है खाजेला। हम और ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, आप लोग को धन्यवाद दे करके मेरा बात यही समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।